घर तो हम सब लेना चाहते हैं, लेकिन मन में कई तरह के सवाल उठते हैं। EMI कितनी होगी, घर की वैल्यू बढ़ेगी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का क्या? घर खरीदना इतना आसान थोड़ी है। सही बात कही आपने, इसलिए मैं आपको 3 रीजंस बताता हूँ जिससे आप कन्विंस हो जाएंगे कि घर खरीदने में ही समझदारी है। आप जो भी पैसे रेंट में देते हैं वो आपको कभी वापस नहीं मिलते। ऐसे में अगर आप महीने का 20,000 रेंट लेके चलें और हर साल उस पे 5% रेंटल इंक्रीज लें, जनरली 10% रेंटल इंक्रीमेंट होता है, तो 20 साल में आप 80 लाख पे कर देंगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI 0%। बाइंग होम ऑन EMI, आप 40 लाख का होम लोन लेते हैं जिसका इंटरेस्ट रेट 8.9% है। आपकी EMI आएगी ₹36,000 एंड 20 ईयर्स में आप पे करेंगे 86 लाख। अगर हम 10% अप्रिशिएशन पर एनम लेकर चलें, तो एसेट वैल्यू 2.69 करोड़ हो जाएगी। रेंटेड घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम हमेशा रहती है, क्योंकि ओनर जैसा कहे वैसा मान के चलना पड़ता है। लेकिन अगर खुद का घर हो तो जैसे दिल चाहे वैसे जियो, खुल के खुशी से। और आखिर में एडिशनल बेनिफिट्स, CLSS 2.35 लाख, टैक्स सेविंग्स ऑन प्रिंसिपल अंडर सेक्शन 80C 1.5 लाख एंड इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24 2 लाख। ये टैक्स बेनिफिट्स आपके EMI बर्डन को कम करने में नील का पत्थर साबित होंगे। और 20 साल में 20 अप्रेजल साइकल्स भी तो है ना, इसके साथ वो इमोशनल कंफर्ट और बार बार घर शिफ्ट करने से छुटकारा। घर खरीदने से आपको एक बेटर लाइफस्टाइल मिलेगी। सबका एक सपना होता है, अब समय आ गया है कि आप भी अपने सपनों के घर को अपना बना लें। Looking for property? Visit www.ashianahousing.com.